के माथे से चक्रवात तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे तबाही की तस्वीर छोड़ गया। अभी भी कई इलाकों में गांवों में बिजली गुल है, सब कुछ व्यवस्था सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवात आया, टकराकर गुजर गया और बहुत कुछ तहस नहस करता गया। खास करके गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में बिपरजॉय चक्रवात ने काफी तबाही मचाई। 4,000 से ज्यादा घरों में बिजली बाधित हो गई क्योंकि हजारों बिजली के खंभे धराशायी हो गए। फिर भी बिजली रिस्टोर की जा रही है। 5,000 से ज्यादा बिजली के खंभे धराशायी हो गए थे, ट्रांसफार्मर उड़ गए थे, फीडर टूट गए थे, जिस सबको युद्ध स्तर पर एक बार फिर से ठीक किया जा रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ के 8 जिलों में हजारों पेड़ धराशायी हो गए, कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई, कई निचले इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। फिलहाल सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भी चक्रवात की वजह से बर्बादी हुई है, जो तहस नहस हुआ है, जिसकी वजह से जिंदगी एक तरह से रुकी हुई है, उन तमाम व्यवस्थाओं को फिर से शुरू कर जिंदगी को एक बार फिर पटरी पर लौटाना है और खास करके तटीय इलाकों में जिन लोगों को स्थानांतरित किया है। तूफानी हवा, घनघोर बारिश, सब कुछ अपने आगोश में लेने को आमादा, समंदर की तेज लहरें, महातूफान से गुजरात का कच्छ, सौराष्ट्र, मांडवी, पोरबंदर, द्वारका, भूजल का सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। लैंडफॉल के बाद तेज हवा में सालों पुराने पेड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस खौफनाक महातूफान ने महातबाही की जो तस्वीरें दिखाई हैं, वह हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। अभी ये सब देखो ना आपके सामने, ये सब 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 गिर गया, सब उड़ गया। क्या क्या सामान गया? सामान तो सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं है, इतना है खाली कागज है, पन्नी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। अभी बच्चे स्कूल में पढ़े हैं। तूफानी हवा और समंदर के लहरें डरा रही हैं। लहरें इतनी ऊंची थी कि सब कुछ अपने आगोश में ले लेना चाहती हो। समंदर किनारे जो भी उसे टकराया, लहरों ने उसका नामो निशान मिटा दिया। किनारों पर जो कुछ भी बना था, जो कुछ कच्चे मकान बने थे, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। ये गुजरात में आई तबाही के निशान है। कच्छ और सौराष्ट्र के 8 जिलों में जिधर देखिए इसी तरह की तस्वीरें नजर आती हैं। इतना बड़ा तूफान गुजर गया, तबाही भी लाया। गुजरात में बिपरजॉय तूफान से भारी नुकसान हुआ। इस बीच बिपरजॉय से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इलाकों का जायजा लेने के बाद SDRF और NDRF कर्मचारियों से भी मुलाकात की। बिपरजॉय तूफान के दौरान टीम ने लोगों को बचाने के लिए काफी कोशिश की। इस तबाही के दौरान बचाव कर्मी काफी सक्रिय रहे थे। चक्रवात से मची तबाही के बाद पीड़ितों का हाल जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे और साथ दिया गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चक्रवात आने के पहले से ही गुजरात के तमाम लोगों के संपर्क में थे, मुख्यमंत्री से बार बार हालात की समीक्षा कर रहे थे और अब जब चक्रवात गुजरात में तबाही मचा के गुजर गया है तो उसके बाद भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीड़ितों का हाल जानने के लिए आज गुजरात के प्रभावित इलाकों में पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले भुज एयरपोर्ट उतरे, वहां से वो जखौ पहुंचे। जखौ में उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना, जखौ पोर्ट के आसपास जो काफी प्रभावित इलाके थे। इसके अलावा वो नलिया में किसानों से मिले क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा फसलों का, पेड़ों का नुकसान हुआ है, उसका हाल उन्होंने जाना। उसके बाद वो पहुंचे मांडवी क्योंकि मांडवी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हुई थी, बिजली के खंभे, पेड़, घर, बहुत ज्यादा चीजें वहां पर डैमेज हुई हैं और